एक बार विलो ब्रुक के छोटे से शहर में सड़क के अंत में एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था। इसे वर्षों से परित्यक्त कर दिया गया था। इसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थीं और इसके बगीचे में घास फूस उग आया था। स्थानीय लोगों ने रात में भयानक शोर और अजीब रोशनी की टिमटिमाहट की कहानियां कानाफूसी की। इसे द हॉन्टेड हाउस नाम दिया। साहसी बच्चों के एक समूह ने रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक गुप्त जासूसी क्लब का गठन किया। वहां लिली थी, बहादुर और साधन संपन्न नेता, मैक्स बुद्धिमान रणनीतिकार, एमिली तकनीकी विशेषज्ञ और जेक निडर साहसी। एक धुंधली शाम, फ्लैशलाइट और पुराने पड़ोस के नक्शे से लैस, चार दोस्त अपने मिशन पर निकल पड़े। जैसे ही वे हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचे, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। एक तेज कराह के साथ सामने का दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे अंदर का अंधेरा और बासी इंटीरियर दिखाई देने लगा। बिना किसी डर के बच्चे अंदर चले गए। उनके दिल उत्साह और आशंका से धड़क रहे थे। उन्होंने हर कमरे की सावधानी पूर्वक तलाशी ली, लेकिन उन्हें धूल और मकड़ी के जाले के अलावा कुछ नहीं मिला। अचानक एमिली के तेज कानों ने अटारी से आ रही एक धीमी आवाज को सुना। वे शोर का अनुसरण करते हुए चरमराती सीढ़ियां चढ़े। उनकी फ्लैशलाइटें दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थीं। शीर्ष पर उन्हें पुराने फर्नीचर और रहस्यमय कलाकृतियों से भरा एक छोटा छिपा हुआ कमरा मिला। अव्यवस्था के बीच उन्हें घर के पिछले मालिक श्री एबरनेथी से संबंधित एक धूल भरी पुरानी पत्रिका मिली। जैसे ही उन्होंने इसके पीले पन्ने पलटे, उन्हें पुराने घर की भयावहता के पीछे की सच्चाई का पता चला। श्री एबरनेथी एक प्रतिभाशाली आविष्कारक थे, जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। प्रकाश और ध्वनि के साथ उनके प्रयोगों ने अनजाने में अजीब घटनाओं को जन्म दिया, जिससे घर को प्रेतवाधित के रूप में प्रतिष्ठा मिली। रहस्य को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित बच्चों ने श्री एबरनेथी के प्रयोगों को दोहराने और गड़बड़ी पैदा करने वाले उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए अपने संयुक्त कौशल का उपयोग किया। जैसे ही वे हॉन्टेड हाउस से विजयी होकर बाहर निकले, सूरज उगना शुरू हो गया, जिसने कभी अशुभ इमारत पर अपनी गर्म रोशनी डाली। जैसे ही बच्चों ने रहस्य के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया, विलो ब्रुक शहर खुशी से झूम उठा और हॉन्टेड हाउस को आखिरकार खत्म कर दिया गया। उस दिन से पुराना घर बहादुरी और दोस्ती का प्रतीक बन गया और बच्चों के जासूसी क्लब को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। और यद्यपि उनका साहसिक कार्य समाप्त हो गया था, वे जानते थे कि जहां भी कोई रहस्य सुलझाना होगा, वे एक साथ मामले को सुलझाने के लिए वहां मौजूद होंगे।